नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 4 सारणिक पढ़ेंगे। यह इस अध्याय का अंतिम सत्र है, सत्र 4। पिछले सत्र में हमने उपसारणिक और सहखंड पढ़े थे, आव्यूह का सहखंडज, और साथ ही इन पर आधारित हमने प्रश्न भी देखे। आज हम इस सत्र में आव्यूह का व्युत्क्रम और सारणी को और अव्यूह के अनुप्रयोग, यानी जिसमें अव्यूह के व्युत्क्रम से रैखिक समीकरण के निकाय का हम हल प्राप्त करेंगे, वह जानेंगे। आइए देखें अव्यूह का व्युत्क्रम के लिए, व्युत्क्रम के लिए उसकी अस्तित्व कैसे देखें। ये प्रमेय में आप देखेंगे क्या बता रही है ये प्रमेय। एक वर्ग अव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय है। उपपत्ति क्या बता रही है? मान लीजिए एन कोटि का हमारे पास व्युत्क्रमणीय ए है, यानी ए एक व्युत्क्रम आव्यूह है, उसका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, और एन कोटि का तत्समक आव्यूह आई है। तब एन कोटि का एक वर्ग आव्यूह बी का अस्तित्व इस प्रकार हो सकता है, ताकि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो। अब क्योंकि हमारा ए क्या है? व्युत्क्रमणीय, यानी इसका व्युत्क्रम है, तो यानी इस प्रकार हम लिख सकते हैं, हमें एक बी आव्यूह का अस्तित्व मिलेगा। अब ए बी बराबर आई है, इसका मतलब ए बी का जो सारणिक है वह बराबर किसके होगा? एक के। और हमारा गुणधर्म बताता है हम ए बी सारणिक को किस प्रकार लिख सकते हैं, सारणिक ए गुणा में सारणिक बी। तो यानी सारणिक ए गुणा में सारणिक बी बराबर हुआ एक। और ये हमें बतला रहा है जो सारणिक ए है वह क्या है? शून्य के बराबर नहीं है। अतः हमारा जो ए है आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। ठीक, आइए विलोमतः देखें। मान लीजिए ए हमारा व्यू जो हमारा व्युत्क्रमणीय है, यानी इसका जो सारणिक है वह शून्येतर है, यानी शून्य के बराबर नहीं है। यहाँ देख सकते हैं। ठीक, आपने पिछले ही सत्र में एक गुणधर्म देखा, वह क्या देखा? ए को अगर हम आव्यूह ए के सहखंडज से गुना करें और आव्यूह ए के सहखंडज को ए से गुना करें, यह दोनों किसके बराबर होते हैं? आव्यूह आई के, यानी एक तत्समक आव्यूह के। अब इसी से हमें ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व मिल रहा है, यानी हम क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर बी ए बराबर आई, जहाँ आव्यूह बी हमें किसके बराबर मिल रहा है? आव्यूह ए के सहखंडज को अगर हम 1/ सारणिक ए से गुणा कर दे तो। ठीक, तो अतः हमें क्या मिला? ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व मिला, साथ ही ए का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा? ए का सहखंडज, साथ में गुणा करना है 1/ सारणिक ए के साथ। ठीक, इस फॉर्मूले को आप याद रखें, इसका इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे। आइए अब एक उदाहरण देखें। इस उदाहरण में हमें क्या दिया है? यदि ए एक आव्यूह है जिसके अवयव हैं 1, 3, 1, 5, तो हमें ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। हल देखते हैं। सबसे पहले ए का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमें उसका क्या देखना है? अस्तित्व। और ए का अस्तित्व कैसे हमें मिलेगा? उसका सारणिक देख के। तो ए का अगर आप सारणिक ज्ञात करें तो आप देखेंगे वह कितना आ रहा है? 2, जो कि शून्य के बराबर नहीं है, यानी जो ए आव्यूह है वह व्युत्क्रमणीय है और इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है।
अब आगे देखेंगे ए का व्युत्क्रम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार इस फॉर्मूले से, यानी वे क्या है, एक बटे ए का सारणिक और गुणा किया हमने ए के सहखंडज के अवयव से। ठीक, ए का सहखंडज आप भली भांति जानते हैं कैसे ज्ञात करना है। आपको हर एक अवयव का सहखंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देख सकते हैं। एक अवयव यानी जो पहला अवयव एक है, इसका सहखंड कितना हुआ, पांच। अवयव एक दो का सहखंड माइनस एक, अवयव दो एक का सहखंड माइनस तीन, और अवयव दो दो का सहखंड एक हुआ। इस प्रकार एक का सहखंडज क्या होगा, वह आपको एक अवयव मिलेगा जिसके अवयव इस प्रकार है, पांच माइनस तीन माइनस एक और एक। मान भरने पर इसके अंदर यानी एक के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक का व्युत्क्रम। एक का व्युत्क्रम क्या मिला, एक का व्युत्क्रम बराबर में एक बटे एक का सारणिक कितना, दो। तो एक बटे दो गुणा में अवयव, और वह कौन सा अवयव, एक का सहखंडज। ठीक, देख सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखें। इस उदाहरण में कह रहे हैं कि प्रदर्शित कीजिए कि अवयव ए, अवयव समीकरण ए की घात दो माइनस चार ए जमा आई बराबर जीरो यानी शून्य सत्यापित करना है, जहां आई दो बाय दो कोटि का एक तत्समक अवयव है और शून्य दो बाय दो कोटि का शून्य अवयव। इसी की सहायता से हमें ए अवयव का व्युत्क्रम भी ज्ञात करना है। आइए इसका हल देखें। देखेंगे अवयव ए के जो अवयव हैं वे हैं दो तीन एक और दो, और हमें देखना है ये जो अवयव है वह अवयव समीकरण इस ए की घात दो माइनस चार ए जमा आई को सत्यापित कर रहा है या नहीं। इसके अलग अलग भाग को पहले निकालेंगे। ए की घात दो यानी ए को ए से ही गुणा करना है। देखेंगे ये अवयव को गुणा करने पर हम क्या पाएंगे, एक और नया अवयव जिसके अवयव है सात बारह चार और सात। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पे देखेंगे कैसे मिला हमें अवयव सात, दो से दो गुणा चार जमा तीन एकम तीन यानी तीन जमा करेंगे यानी चार जमा तीन बने सात, इसलिए ये हमें अवयव सात मिल गया। इसी प्रकार हमें बाकी के अवयव मिल गए, किसके, अवयव ए की घात दो के। ठीक, अब चार ए यानी इस अवयव समीकरण में भरने पर आप देखेंगे हमें क्या मिला, ये क्या है, ए की घात दो। चार ए यानी अवयव ए के जो भी अवयव हैं उन सारे अवयवों को चार से गुणा करने पर हम पाएंगे क्या मिला, चार दुनी आठ, चार तिया बारह, चार एकम चार और चार दुनी आठ, यही हमें अवयव मिला जमा तत्समक अवयव एक शून्य शून्य एक। अब इस पूरे समीकरण को हल करने पर आप देखेंगे ये सत्यापित हो रहा है कि हमें एक शून्य अवयव प्राप्त हो रहा है। सात घटा में आठ मिले माइनस एक, माइनस एक जमा एक बने शून्य। ऐसे ही बारह में से बारह घटाने पर मिले शून्य और शून्य में शून्य जमा करने पर फिर से हमें मिला शून्य। इसी प्रकार हमें ये शून्य अवयव मिल रहा है। ठीक, तो हमने यह तो दर्शा दिया कि यह अवयव ए इस अवयव समीकरण को सत्यापित कर रहा है। अब अगला भाग क्या बता रहा है हमें इस उदाहरण में, हमें इस समीकरण की सहायता से अवयव ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक, अब आप देख सकते हैं समीकरण ए की घात दो माइनस चार ए जमा आई बराबर में शून्य, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ए गुणा ए माइनस चार ए बराबर में माइनस आई, यानी ये हम कहाँ ले गए, दाएं हाथ पर।
देखेंगे ए का जो व्युत्क्रम है इसका अस्तित्व है। कैसे? अगर आप आव्यूह ए का सारणिक निकालें तो आप देख पाएंगे कि वह शून्य के बराबर नहीं है। सामने ही है ए का सारणिक कितना आ रहा है? एक, और वह शून्य के बराबर नहीं, यानी ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब अगर हम ए के व्युत्क्रम को क्या करें, बाएं और दाएं पक्षों में गुणा कर दें, तो हम क्या पाएंगे? ए घटा चार आए बराबर में माइनस का ए का व्युत्क्रम। ये कैसे मिला? ये आप जानते ही हैं, ए गुणा ए का व्युत्क्रम किसके बराबर होता है? तत्समक आव्यूह के बराबर। ठीक है, बराबर कोटि का। तो हमें क्या मिला? इससे आप देखेंगे हमें ए का व्युत्क्रम किसके बराबर मिला? वह मिला ए घटा चार आई। अब आव्यूह का मान भरने पर आप देख पाएंगे कि ए का जो व्युत्क्रम है वह हमें क्या मिला? वह मिला आव्यूह जिसके अवयव पंक्ति के अनुसार क्या है? दो, माइनस तीन, माइनस एक और दो। ठीक, आइए अब आगे देखें। अब हम देखेंगे सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग। इसके अंदर हम दो या तीन अज्ञात राशियों के रैखिक समीकरण के जो निकाय है इसका हल ज्ञात करेंगे, साथ ही इनकी जो संगता है उसके ऊपर भी विचार करेंगे। आइए देखें कब हमारा निकाय संगत और असंगत कहलाता है। संगत निकाय निकाय संगत कहलाता है यदि इसके हलों का अस्तित्व होता है। निकाय असंगत कहलाता है यदि इसके किसी भी हल का अस्तित्व नहीं होता। ध्यान देंगे, इस सत्र में हम अद्वितीय हल के समीकरण निकाय पर ही सीमित रहेंगे। ठीक है, आइए अब देखें कैसे हम किसी भी रैखिक समीकरण के निकाय को आव्यूह समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। a1x जमा b1y बराबर में c1, a2x जमा b2y बराबर में c2। मान लीजिए अगर हमारा आव्यूह a है जिसके अवयव हैं a1, b1, a2, b2, एक हमारा स्तंभ आव्यूह है x जिसके अवयव हैं x और y, और b हमारा स्तंभ आव्यूह है जिसके अवयव हैं c1, c2। आप देख सकेंगे इस निकाय को हम ax बराबर b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी अगर हम आव्यूह a a1 b1 a2 b2 को गुणा करते हैं आव्यूह x के साथ, तो हमें आव्यूह b के बराबर मिलेगा। यानी अगर हम इस आव्यूह समीकरण को हल करेंगे तो हमें अपना रैखिक जो हमारा समीकरण है उसका निकाय प्राप्त हो जाएगा। आइए अब देखें इसके हल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्थिति एक, यदि a एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अतः ax बराबर b से हम पाते हैं, क्या पाते हैं? a का व्युत्क्रम गुणा ax बराबर में a का व्युत्क्रम गुणा में b। ये हमें क्या बता रहा है? x बराबर में a का व्युत्क्रम गुणा में b। यह आव्यूह समीकरण दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल प्रदान करता है। और वह क्यों करता है? क्योंकि एक आव्यूह का जो व्युत्क्रम होता है वह सदैव ही अद्वितीय होता है। ठीक, आइए अब दूसरी स्थिति देखें, जब हमारा जो आव्यूह है वह क्या हो? अव्युत्क्रमणीय हो, यानी व्युत्क्रमणीय ना हो। इसका मतलब जो ए का सारणिक है वह किसके बराबर होगा? शून्य के।
इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे ए के सेकंडज और उसे गुणा करेंगे आव्यूह बी से, यानी आपने ज्ञात करना है ए का सहखंडज गुणा में बी। अब यह निकालने के बाद आपके पास फिर दो स्थिति आएंगी। क्या आएंगी? या तो गुणनफल शून्य के बराबर नहीं होगा या फिर शून्य के बराबर होगा। गुणा करने पर अगर आपको आव्यूह शून्य के बराबर नहीं मिलता तब कोई हल नहीं होता, और जो समीकरण निकाय है वह कैसा निकाय होता है? असंगत निकाय होता है। यदि आपको गुणा करने पर जो गुणनफल है वह शून्य के बराबर मिले तब निकाय संगत या फिर असंगत दोनों ही हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको निकाय के अनंत या फिर कोई भी हल ना मिले, दोनों स्थितियां सामने आती हैं। ठीक, आइए अब इनके ऊपर एक उदाहरण देखें। उदाहरण में निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, यह हमारा समीकरण निकाय है। 2x जमा में 4y बराबर में 1, 3x जमा में 2y बराबर में 6। ठीक, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें इस रैखिक समीकरण का जो निकाय है उसे आव्यूह समीकरण में बदलना है, यानी ax बराबर में b इस प्रकार। ठीक, जहां हमारा a क्या हो जाएगा, 2, 4, 3 और 2। आव्यूह x के अवयव क्या हो जाएंगे, x, y, और b आव्यूह के अवयव 1 और 6। ठीक, इसी प्रकार हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब हमें क्या देखना है कि स्थिति 1 मिलेगी या स्थिति 2। इन स्थितियों को देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, आव्यूह का सारणिक। आव्यूह का सारणिक ज्ञात करेंगे, आप देखेंगे वह किसके बराबर आ रहा है, -8 के, और ये क्या है, शून्य के बराबर नहीं, यानी हमारी स्थिति 1 जो आव्यूह ए है वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और इस रैखिक समीकरण निकाय का हल कितना होगा, एक अद्वितीय हल हमें प्राप्त होगा। आइए देखें कैसे, यही चीज हमने यहाँ देखी, आइए आगे देखेंगे। हमने आव्यूह समीकरण के रूप में लिखा रैखिक समीकरण के निकाय को, अब हम ए का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। ए का व्युत्क्रम आप भली भांति जानते हैं, किस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं, ए का व्युत्क्रम बराबर 1/a का सारणिक गुणा में आव्यूह ए का सहखंडज। ठीक, ए का सारणिक हमने देखा -8, तो 1/8 यानी -1/8 हमें मिला। ए का सहखंडज क्या करना है, अगर हम जो विकर्ण अवयव है उनको पलट दें तो 2 और 2, और जो उसके अतिरिक्त जो अवयव है उनका चिन्ह पलट दें, तो यहाँ 4 था, यहाँ -4, यहाँ 3, यहाँ -3। ठीक, तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, ए का व्युत्क्रम। अब हमें हल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इस आव्यूह समीकरण के अंदर आव्यूह के मान भरने हैं। तो ये x बराबर में कितना हुआ, a का व्युत्क्रम गुणा में आव्यूह b। दो आव्यूह को गुणा करना आप जानते हैं, गुणा करने पर आप पाएंगे हमारा x यानी आव्यूह x किसके बराबर है, इस आव्यूह के, वे क्या है, -1/8 और आव्यूह -2, 2 और 9 जिसके अवयव है। तो इससे आप x और y का मान देख सकते हैं, x का मान कितना मिला आपको, 22/8, और y का मान कितना मिला आपको, -9/8। ठीक, इस प्रकार हम रैखिक
जो हमारा समीकरण निकाय है इसका हल ज्ञात करेंगे। आइए एक और उदाहरण देखें। इस प्रकार इस बारी हम एक व्यवहारिक प्रश्न लेते हैं। इस उदाहरण में आप देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, तीन संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और अव्यय विधि से हमें संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। आइए देखें इसका हल क्या है। मान लीजिए पहली दूसरी व तीसरी संख्या क्रमशः x, y और z से हम निरूपित कर रहे हैं। ठीक, तो प्रश्न के जो शर्त हैं उनके अनुसार हमारे समीकरण क्या बने, x जमा y जमा z बराबर में 6, y जमा 3z बराबर में 11, x जमा z बराबर में 2y। इस तीसरी समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर हम 2y को बाएं हाथ पे ले आए, यानी x माइनस 2y जमा z बराबर में 0। तो आप देखेंगे हमें क्या मिला, रैखिक समीकरण का एक निकाय मिल गया। अब हम इसे जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में किया था उसी प्रकार इसे हल करेंगे। आइए देखें, हम इस निकाय को अव्यय समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी ax बराबर में b, जहां a है हमारा अव्यय बता रहा है, अव्यय जिसके अव्यय हैं 1, 1, 1, 0, 1, 3, 1, माइनस 2 और 1। अव्यय x हमारा स्तंभ अव्यय, जो सारे जो अज्ञात हमारी राशियां हैं वह हमारे इसके अव्यय हैं, यानी x, y और z। अव्यय b बराबर है 1 हमारा स्तंभ अव्यय के, जिसके अव्यय हैं 6, 11 और 0। अब हमें क्या देखना है, अव्यय a का सारणिक। अव्यय a का सारणिक ज्ञात करने पे फिर से आप देखेंगे वह बराबर आ रहा है 9 के, जो 0 के बराबर नहीं है, यानी फिर से हमारा स्थिति 1, यानी a हमारा व्युत्क्रमणीय अव्यय है और a का व्युत्क्रम का अस्तित्व है, यानी जो रैखिक हमारा समीकरण का निकाय है उसका हल अद्वितीय हल हमें मिलेगा। अब इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, a का सहखंडज। a का सहखंडज आप भली भांति जानते हैं कैसे निकालना है, यह कार्य मैं आप पर छोड़ती हूँ। और निकालने पर आप पाएंगे a का सहखंडज यह अव्यय मिलेगा, जिसके अव्यय पंक्तियों के अनुसार क्या है, 7, माइनस 3, 2, 3, 0, माइनस 3, माइनस 1, 3 और 1। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, a का व्युत्क्रम, यानी ये फॉर्मूले से हम अपना a का व्युत्क्रम प्राप्त कर सकते हैं, 1 बटे का सारणिक a गुणा में a का सहखंडज, और इसमें भरने पर आपको a का व्युत्क्रम 1 बटे 9 और ये अव्यय क्या है, a का सहखंडज। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x बराबर क्या अव्यय मिलेगा, यानी a का व्युत्क्रम गुणा b करने पर। ये दोनों अव्यय गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, देखते हैं, 7 गुणा में 6 मिले हमें 42, माइनस 3 गुणा में 11 करने पे मिले हमें माइनस 33, जमा 0 और ये हल करने पर आपको मिलेगा कितना, 1 नहीं, ध्यान देंगे, ये हल करने पर हम क्या मिला हमें, 9, और 9 से भाग करने पर हमें मिला 1। ठीक, ऐसे ही बाकी आप अवयव निकालेंगे और वह अवयव क्या मिले, 2 और 3। तो दोनों अवयव जो है हमारे वे बराबर हैं, तो यानी संगत अवयव से हमें क्या मिला, x, y और z का मान, x का मान मिला 1, y का 2 और z का 3। इस प्रकार आप रैखिक समीकरण के जो निकाय हैं उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको इस सत्र में
समझ आया होगा, आनंद आया होगा। धन्यवाद।